और कर्फ्यू के बीच निकाली गई रैली और हालात का जायजा लिया संवाददाता सत्यनारायण शर्मा ने। उदयपुर जिले में हुए बवाल के बाद में अब तमाम धर्म के लोग एकत्रित हुए हैं मोहनलाल सुखाड़िया भवन के पास में। आप देख सकते हैं सभी धर्मों के लोग यहां पर बैठे हुए हैं और उनकी अपील कर रहे हैं लोगों से कि शांति बनाए रखें, क्योंकि उदयपुर जिले की जो सभ्यता रही है वो हमेशा अमन चैन वाली सभ्यता रही है। और ये लोग थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होंगे और कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे। मौन जुलूस के रूप में हज़ारों की संख्या में ये लोग एकत्रित हुए हैं और थोड़ी देर में यहाँ से रवाना होकर ये मौन जुलूस निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुँचेंगे, जहाँ पर ये कलेक्टर को ज्ञापन देंगे और शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील करेंगे। उम्मीद करते हैं लोगों का ये मौन जुलूस कहीं ना कहीं उदयपुर वासियों के लिए एक नज़ीर बनेगा, जिससे कि आने वाले समय के अंदर लोग अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और जो घटना हुई है उदयपुर जिले में वो दोबारा ऐसी ना होगी। शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। उदयपुर में पुलिस के आला अफसरों ने मोर्चा संभाल रखा है। एडीजी दिनेश जैमिन से इस दौरान फर्स्ट इंडिया ने खास बातचीत की। उदयपुर में परसों हुए बवाल के बाद में अब स्थिति कंट्रोल में, खुद एडीजी एम एन दिनेश शर्मा साथ हैं। सर, वर्तमान में क्या हालत है, जब उदयपुर शहर के जाना चाहेंगे? नहीं, वर्तमान में अभी ये मौन जुलूस निकाल रहे हैं, प्रशासन से परमिशन लेके निकाल रहे हैं। जिस एरिया में ये लोग निकल रहे हैं उसके लिए हमने टेम्पररी कर्फ्यू डील दी है और इनको परमिशन भी दे रहे हैं। और इसके अलावा शहर में शांति है और जगह जगह हमारे पिकेट्स लगे हुए, पुलिस ऑफिसर सारे गश्त कर रहे हैं और हम लोगों को अपील भी कर रहे हैं, लोगों से मिल भी रहे हैं। और असामाजिक तत्व है, अगर हमें जो लग रहा है कि शांति गड़बड़ कर सकते हैं, उनको डिटेन भी कर रहे हैं, एक्शन भी ले रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी शांति हो जाए। सर, कल रथ यात्रा होनी है, बड़ी रैली होने की अनुमति मिल पाएगी सर? वो हम आज शाम तक डिसाइड कर लेंगे। ठीक है, आज शाम तक हम डिसाइड कर लेंगे और सरकार की और प्रशासन की भी इच्छा है इसको निकालने की और लोगों को कॉन्फिडेंस में लेंगे, उसके बाद ही डिसाइड कर पाएंगे। सर, सीएम साहब भी आने वाले हैं, सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की है? व्यवस्था अच्छा है, सीएम साहब उस परिवार से मिलेंगे और हम लोगों की मीटिंग लेंगे और अच्छी व्यवस्था है। और सर, सीएम साहब जो इंजर्ड है उनसे भी मिलना चाहेंगे और जहाँ जहाँ सीएम साहब जाना चाहेंगे वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाएंगे। तो लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? लोगों से ये अपील करना चाहते हैं, शांति बनाए रखें, अल्टीमेटली सबको साथ ही रहना है। इस तरह के कर्फ्यू की स्थिति बहुत दिन नहीं चल सकती और अविश्वास के साथ भी नहीं रह सकते, क्योंकि अल्टीमेटली नुकसान इसी को होता है। जैसे उदयपुर शहर है, मेन इसके जो आय का स्रोत ही टूरिज्म है, अगर इस तरह की इमेज जाए कि बार बार या झगड़े होते या प्रॉब्लम होता है तो क्या वो टूरिज्म पिट जाएगा, लोग आना बंद कर देंगे, लोगों को और कोई रोज़गार ढूंढना भी मुश्किल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हर एक को अपनी ज़िंदगी निकालनी है, अपनी ज़िंदगी जीनी है, अपनी जो भी आस्था है उसको आस्था में रखें, लेकिन आपस में विश्वास रखें और शांति बनाए रखें। डीजी एम एन दिनेश, जिन्होंने बताया लोगों से अपील की है कि शांति बनाए रखें। उदयपुर जिले की जो संस्कृति रही है वो ऐसी रही है कि सब साथ मिलकर कर चलते हैं और उसी अनुसार हमको संस्कृति बनाए रखनी है। मेरे साथी सत्यनारायण शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, उदयपुर। तो देखिए, आप सुन रहे थे एडीजी दिनेश जैमिन को, उन्होंने ये जानकारी एक बार फिर से दी और कहा कि जनता को आपसी कॉन्फिडेंस बनाए रखने की जरूरत है। ये